क्रिएटिंग फ्रिक्शन। नाउ मैं हमेशा से ही डिजिटल बंदा रहा हूँ, मतलब मोदी जी के डीमोनेटाइजेशन से पहले भी मैं कार्ड्स और वॉलेट्स और ये सब यूज़ करता था। मैंने ज़िंदगी में कभी कैश यूज़ नहीं किया, एक रीज़न की वजह से क्योंकि मैं पतला सा था और मेरे पॉकेट में वो मोटा सा वॉलेट फुल ऑफ कैश हमेशा ख़राब सा लगता था मुझे, वो बल्ज कभी भी मुझे पसंद नहीं आया। सो इस रीज़न से मुझे वॉलेट का कंसेप्ट कभी अच्छा ही नहीं लगता था, कैश कैरिंग का अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरे से पैसे गुम हो जाते थे, जेब से गिर जाते थे या नोट ऐसे फटवट जाते थे। तो आई वॉज ऑलवेज द डिजिटल गाय, मतलब मैं अगर मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप, चार जनों के फ्रेंड्स का ग्रुप बाहर जा रहा है तो मेरे पास ही कार्ड होगा और सबके पास कैश होंगे, ठीक है। जब मैं अपनी तीन चार साल, तो इसकी वजह से व्हेन आई लुक बैक नाउ, जब मैं अपनी तीन चार साल की ट्रांजैक्शंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आई कुड हैव सेव्ड 20-30% ऑफ द मनी दैट आई स्पेंट अगर मैं कैश यूज़ करता। वो कैसे मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल्स दे दे के। सो जस्ट सपोज आप और आपके दोस्त जा रहे हैं कहीं KFC जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास बटवे में 300 रुपये, ठीक है, अपना ATM कार्ड भी है लेकिन 300 रुपये हैं। तो आप गए, 100 रुपये आपको बचाने घर जाने के लिए वापस, ऑटो का किराया, अब आपके पास 200 रुपये बचे, राइट। आप 200 में क्या ही लोगे, आप एक बर्गर ले लोगे, एक शेक ले लोगे एंड यू विल बी ऑल राइट, राइट। 150-170 रुपये तो बन गए, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन आपके पास कार्ड है, कैश नहीं है, ठीक है, तो आपको दर्द नहीं होगा ट्रांजैक्शन करने में, दर्द नहीं होगा, तो आप 400-500 की चीज़ ले लोगे, एक पूरी मील ले लोगे 350-400 रुपये की एंड यू लाइक भाई बैंक में पैसा पड़ा ही है, खर्च लेते थोड़ा सा। तो यही जो फ्रिक्शन है जो होती है कैश ट्रांजैक्शन में, वो डिजिटल में नहीं होती। तो डिजिटल में वी एंड अप स्पेंडिंग मोर। आप एनालाइज करो, बहुत सारी सिचुएशंस आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी जहाँ आपके पास अगर कैश होता तो आप कम पैसे खर्चते, you will be limited by how much cash you have versus card swipe करना। आप analyze जब करोगे तो आपको दिखेगा कि you could have saved 30-40-50% and card जब होता है तो आप थोड़ा swaggy भी बन जाते हो कि भाई तेरा card नहीं चल रहा, तेरे पास cash नहीं है, तेरा भाई pay कर देगा, आ जा यार। card होता है तो भाई ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो friction तो है नहीं, आराम से पैसा जा रहा है, और आराम से जब पैसा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो फ्रिक्शन क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड, ठीक है। सो तब क्या किया मैंने, जब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं कार्ड्स और डिजिटल से तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ क्योंकि कैश मुझे अच्छा नहीं लगता था, वॉलेट वाला कॉन्सेप्ट, और कार्ड्स भी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि आई एंड अप स्पेंडिंग मोर, तो मैंने क्या किया, दोनों ही छोड़ दिए। अब मैं क्या करता हूँ, आई ऑलवेज हैव समवन टू पे फॉर मी। जैसे हम चार लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा भाई मेरे लिए भी पे कर दियो, मैं घर जाके तुझे पेटीएम कर दूंगा या गूगल पे कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड मेरे बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करता है और मैं उसे घर जाके पैसे दे देता हूँ। तो इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई, एक तो मुझे कुछ कैरी नहीं करना पड़ता और दूसरा मैं कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मैं वो अभी लीडर वाली पोजिशन में नहीं हूँ कि जैसे कि भाई की लॉटरी लगी है, आज भाई की पार्टी है, ये स्वैग आ ही नहीं सकता मेरे के अंदर क्योंकि मैं दूसरे फ्रेंड को बोल रहा हूँ देने को। तो मैं अपने स्वैग से बच गया, मैं अपने ईगो से बच गया, मैं कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बच गया कि भाई आज भाई 10 बर्गर की पार्टी करेगा, नहीं नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं मेरे पास पैसे, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ देने के लिए मेरे लिए। सो ऐसे तुम बच जाते हो, ठीक है। तो आई ऑलवेज हैव समवन टू पे फॉर मी, आई डोंट कैरी एनी कैश एनी थिंग। सो ट्रैवलिंग के लिए मैं पेटीएम यूज़ कर लेता हूँ ऑटो को देने के लिए, और कहीं हम जाते हैं तो मेरे फ्रेंड्स ही पे करते हैं या जो मेरे साथ होता है, मेरे कलीग्स भी पे करते हैं, कभी कभी तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी पे करते हैं मेरे लिए। तो फिर मैं ऑब्वियसली उन्हें वापस कर देता हूँ पैसे, लेकिन उस मोमेंट के स्वैग ईगो और इम्पल्सिव डिसीजन से बचने के लिए मैं कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करता। अब यू विल बी थिंकिंग कि भाई तो इमरजेंसी में फंस गया तो क्या होगा, लेट मी टेल यू, मैं बहुत बार फंस चुका हूँ और बहुत बार अपने आप को निकाल भी चुका हूँ। तो लेट मी टेल यू कि मैं क्या क्या करता हूँ। सो आई ऑलवेज हैव 500 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ का नोट बैक कवर ऑफ माई
फ़ोन, ठीक है, एंड आई ऑलवेज हैव पेटीएम ऐप ऑन द फोन, कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी बंदे को पकड़ूंगा, भाई पेटीएम यूज़ करते हो, मैं आपको पेटीएम कर दूँ 100 रुपये, आप मुझे कैश दे दोगे। सो 5 मिनट लगते हैं और काफ़ी बंदे मिल जाते हैं जो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर वन ट्रिक, ठीक है। थर्ड ट्रिक है ऑटो वाला, ऑटोज आर पोस्ट पेड, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही पैसे देने पड़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कहीं भटक गए, मैं अकेले कहीं हूँ 20-25 किलोमीटर दूर घर से, मैं किसी ऑटो को बोलूँगा भाई घर ले चल, वो जब मुझे घर पहुँचा देगा, मैं उसे बोलूँगा घर से पैसे लेके आता हूँ, तो घर से पैसे लेके दे दूंगा। सो काफ़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, 5-10 बार ही ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई है और ये 3 हैक्स हमेशा काम आए हैं। तो मुझे भी काफ़ी अजीब सा ही लगता था अंदर से जब मैं ये चीज़ें करता था कि भाई ये क्या ही कर रहा हूँ मैं, ऐसा किसी को देखा तो नहीं मैंने करते हुए। यूट्यूब सर्फिंग, आई फाउंड अ इंटरव्यू ऑफ मुकेश अंबानी एंड ही सेड द सेम थिंग्स, कि आई ऑलवेज हैव समवन टू पे फॉर मी, इधर माई वाइफ और माई किड्स और उनकी कोई भी होता है, मैं आई डोंट पे फॉर माई ट्रांजेक्शन्स, एंड दैट वॉज सच अ ब्लेसिंग। दूसरा है कैपिटल को हमेशा अपने इमोशन से बचा के रखो और फ्रिक्शन क्रिएट करो। सो ये चीज़ अगर कोई मुझे बता देता ना 4 साल पहले, मेरे लाखों रुपए बच जाते। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि कैसे करते हैं ये। सो यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, ठीक है। आप सारा पैसा एक ही बैंक अकाउंट में मत रखिए, आप लुट जाएंगे। 3 बैंक अकाउंट बनाइए, कोई आपको चार्ज तो लगेगा नहीं, 2 गवर्नमेंट एक प्राइवेट या एक जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक में रखिए अपने मंथली बेयर एक्सपेंसेस, कि इस अकाउंट में इतना ही पैसे रखूंगा मैं जो 1 या 2 महीने चल जाए, ठीक है। दूसरे अकाउंट में 50% ऑफ योर वेल्थ, 50% ऑफ योर वेल्थ, एंड तीसरे अकाउंट में वही 50%, ठीक है। तो स्प्लिट हो गए, और तीसरा अकाउंट तो आपका इमरजेंसी, चौथा अकाउंट आपका इमरजेंसी फंड वाला हो, ठीक है। तो ये जब बनाया, और जहाँ पे ज़्यादा पैसा है ना, उसका OTP और डेबिट कार्ड डिटेल्स और ये सब अथॉरिटी आपके पेरेंट्स को बना दीजिए। बिकॉज मैं जब छोटा था, मुझे ईगो ने मार दिया, मेरे ईगो ने, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आई वॉज लाइक ये भाई मैं नहीं कमाए पैसे, मैं इसको आग लगाऊँ जो करूँ, इट्स माई मनी, आई विल डू वट एवर द फक आई वॉन्ट टू डू। सो दिस वॉज माई ईगो बैक देन, and I was so stupid to think like this. I was so stupid to think like this. That अगर मैं top 3 mistakes में लाता हूँ कोई mistake, तो number 1 mistake तो यही होगी कि अपने पैसे पे गुरूर करना और ego करना। मैं किसी को flex नहीं करता था भाई इतने पैसे हैं, but अंदर ही अंदर कि भाई मेरे ही पैसे हैं, मैं कुछ भी करूँ किसी को मतलब नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। तो फ्रिक्शन, सो जितना भी आप फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे ना अपने पैसों के साथ, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्री फ्लोइंग मनी इज़ वेरी डेंजरस। फ्री फ्लोइंग मनी इज़ व्हाट, आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे 1-2 लाख रुपए फ्री फ्लोइंग है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, आप इनिशिएट करें, किसी को OTP आएगा और धम धड़म धड़मले से गए, मतलब वेरी फास्ट यू ट्रांसफर्ड 50,000, वेरी फास्ट यू ट्रांसफर्ड 1 लाख, ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स। चुटकियों में ट्रांजेक्शन्स करने से डरें, चुटकियों में उसको मुश्किल बनाएं। मुश्किल कैसे बनाएंगे, आपके दो तो पहले अकाउंट में आपने मंथली एक्सपेंसेस वाले पैसे रख दिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड अकाउंट में आपने बिग बिग सेकंड अकाउंट में आपने, और उसका OTP आपके पापा को जाता है, कमाए आप नहीं है लेकिन OTP पापा या मम्मी को जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल से हो गए, आपके एक आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आप बावले से हो गया, ठीक है, आपका एक 6 मंथ का रिलेशनशिप चल रहा था एक लड़की के साथ, एंड यू वॉन्ट टू गिफ्ट हर डायमंड रिंग, मतलब 6 महीने का रिलेशनशिप है, एंड यू आर लाइक भाई इसी से शादी करूँगा, इसी से वो करूँगा, ये वो ये वॉट एवर द फक, ठीक है। एंड फ्रिक्शनलेस पैसा था आपके बैंक अकाउंट में था, आपको OTP आता है तो आपने डाला, ऑनलाइन ऑर्डर किया और रिंग इज़ देयर। नाउ देर इज़ 50-50, नाउ नथिंग लास्ट फॉर एवर, तुम्हारा 2-3 साल में ब्रेकअप तो हो ही जाएगा। अब जब ब्रेकअप होगा, देर इज़ 50-50% चांस कि या वो लड़की तुम्हें रिंग वापस कर देगी या उसे बेच देगी, ठीक है। अगर आप वो बेच देती है तो योर कैपिटल इज़ लॉस्ट,
एंड दिस स्टूपिड मिस्टेक यू डिड जस्ट बिकॉज तुम काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल हो गए थे उस टाइम. तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था जो तो आना नहीं चाहिए, ठीक है. तो इसकी वजह से तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी. सो दैट वे यू सो अपने कैपिटल को हमेशा अपने इमोशंस से बचाना होता है. अगर यही OTP आपके पापा के पास जाता है और वो मैसेज देखे दिस ट्रांजैक्शन 150000 ऑन diamondrings.com इज, आपके पापा फ़ोन करते, गालियाँ सुनाते, क्या कर रहा है, अपनी माँ के लिए खरीद रहा है, ये वो ये एंड तुम वो नहीं करते, ठीक है. तुम्हारा ही पैसा था, नथिंग टू से, तुम्हारा ही पैसा था, लेकिन वो बच गया, ठीक है, बच गया. तो वही है, ये ट्रिक है. फ्रिक्शन क्रिएट कर लो. आप कभी भी ईजीली एक्सेसिबल मनी ना रखो किसी भी अकाउंट में, कुछ भी. UPI से तो दूर ही रहो. ये 4 डिजिट का पिन डालो और पैसा इधर से उधर. सो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करोगे ना, जितना ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करोगे, उर्दू का वर्ड है, तो उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि उतना तुम्हारा कैपिटल प्रिजर्व होगा और इमोशनली. दूसरा इसमें एग्जांपल बहुत तगड़ा दे सकता हूँ कि कोई बंदा है भाई, 2 लाख के 4 लाख मिल रहे हैं, यहाँ लगा दे एंड तुम्हारे पास इजीली एक्सेसिबल है, तुम लगाओगे एंड वो डूब जाएगा. सो या दैट. हर चीज़ को आपको ऐसे एनालाइज करना होता है, ये चीज़ मैंने ले तो ली लेकिन इसकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ी गई या घटेगी, ठीक है. सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटेगी. जैसे गाड़ी ले ली आपने और ऐसे ही शो ऑफ में ले लिया. आप गाड़ी लेना इज़ बेटर देन ऊबर एंड ओला ओनली अगर आप उसे 15 साल चला सकें, ओनली इफ़ यू ट्रैवल मोर देन 20 किलोमीटर्स पर डे, ओनली. सो देर आर 3-4 फैक्टर्स. जब वो मीट होते तब गाड़ी चलाना इज सस्ती देन ओला एंड ऊबर. बाकी सब केसेस में ओला ऊबर इज़ एनी डे सस्ती देन गाड़ी लेना, ठीक है. अब इसमें डिबेट काफ़ी हो सकती है कि भाई गाड़ी में खुद की सेफ्टी होती है, सोशल स्टेचर होता है, वो सब ठीक है भाई, वो देख लेंगे बाद में. लेकिन कैपिटल डेप्रिसिएशन के लिए गाड़ी बहुत सही एग्जांपल है. आपने गाड़ी लिए, शोरूम से निकाली और वापस शोरूम वाले के पास गए कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अब मेरा माइंड फ्लिप हो गया, अब तो बता तू कितने देगा. तो वो जितना भी रेट बताएगा वो हमेशा 15-20% लेस होगा. सो गाड़ी की निकलती उसकी वैल्यू 10-15% घट जाती. 2.5-3-4 साल में उसकी वैल्यू 40-35% घट जाती है. सो दैट्स देयर टू. सो लेकिन हर चीज़ को तो एनालाइज नहीं कर सकते कि भाई ये मैंने TV लिया था इसकी वैल्यू घट रही है, घट रही है. ऑफ कोर्स घट रही है, लेकिन इसको एनालाइज करके आपको कुछ मिलेगा नहीं. व्हाट्स यू, एक और चीज़ होती है कि कोई कोई चीज़ होती है जिससे आपकी उसकी वैल्यू घट तो रही है लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेगी आप उससे काफ़ी वैल्यू क्रिएट कर लोगे. सो एक लैपटॉप लिया आपने, एक PC लिया मेक माई रेक से 1 लाख रुपये का. अब आपको पता 3 साल तो चलेगा ही क्योंकि वारंटी है, भाई ने दी है 3 साल की. अब क्या होगा कि अब आपके ऊपर डिपेंड है, उससे उस इंस्ट्रूमेंट से कितनी वैल्यू निकाल सकते हो. आपने 1 लाख का PC लिया लेकिन उससे आपने 10 लाख रुपए कमा लिए. कैसे? आपने कोडिंग करी, आपने ऐप्स बनाए, आपने यूट्यूब चैनल खोला, आपने बहुत सारी चीज़ें करी जो आपको प्रॉस्पेरिटी के उसमें ढकेली. तो आपको उसके वो इंस्ट्रूमेंट डेप्रिशिएट तो हो रहा था लेकिन आपने उससे 10x की वैल्यू निकाल ली. सो आपका इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट हुआ प्लस रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट एंड यू हैव टू थिंक एवरीथिंग कि अगर इसका ये चीज़ नहीं करता मैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोछा नहीं लगाते, आप बैचलर हैं, आप गंदे वंदे रहते हैं, आप हाइजीन फॉलो नहीं करते, किसी दिन मेरा हाथ वाथ लग गया फ्लोर पे या कुछ गिर गया और वो मैंने खावा लिया, तो वायरल बुखार होने के बहुत सारे वो हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी उसको मारने के लिए, वो मार नहीं पाएगी, मैं काफ़ी कमज़ोर फील करूँगा, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर की फ़ीस होगी किसी भी अच्छे डॉक्टर की 500 से 1000 रुपये, वहाँ मेरे 500-1000 रुपये गए, फिर वो दवाइयाँ देगा 1000 रुपये की, वहाँ मेरे 1000 रुपये गए,
तो 1500 रुपये गए, प्लस मैं 5 दिन काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे रिकवर होना। तो अगर मेरी अर्निंग पावर थी दिन की 1000 रुपये, महीने के मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ, 1000 रुपये दिन का कमाता हूँ, तो 5 दिन काम नहीं किया, 5,000 रुपये गए प्लस वो डॉक्टर की, तो 6,500 रुपये का चूना जस्ट बिकॉज मैंने एक 250 रुपये का वाइपर नहीं लिया और 250 रुपये का क्लीनिंग सोल्यूशन नहीं लिया और 10-15 मिनट का एफर्ट नहीं लगाया रोज़ अपना फ्लोर साफ करने के लिए। सो दैट वे यू हैव टू सी थिंग्स। सो आपको अपना थिंकिंग मॉडल ऐसे बनाना है कि एवरी थिंग इज़ अ ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन मुझे सस्ती पड़ रही है, कौन सी ट्रांजेक्शन मुझे महंगी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है क्योंकि आपको लोग मिलेंगे बोलेंगे कि भाई 500 रुपये बचा लिए, सीधा SIP कर, म्यूचुअल फंड में डाल, ये सब कर। मैं भी करता था बट वाई आई स्टॉप डूइंग दैट एंड आई इन्वेस्ट ऑल दैट मनी इन टू, मैं बाद में बताऊँगा किस में करता हूँ। सो क्यों? सो सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना है, आप कैसे टाइप के बंदे हो। आप अगर जॉब टाइप के बंदे हो तो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स डेफिनेटली यू शुड डू इट। इससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़े अजीब प्राणी हो मेरी तरह, यू लाइक क्रिएटिंग थिंग्स, यू लाइक एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। दोस्तों के साथ रहते हो तो दोस्त बोलते हैं यार इसमें टैलेंट है यार, ये कुछ करेगा, ये गाना बहुत अच्छा बजाता है या ये आर्ट बहुत अच्छी करता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं आप, ये फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी खींचता है, ये नेट जियो का फोटोग्राफर बनेगा, ठीक है। और आपके पास अगर कैपिटल, तो इसमें बहुत बड़ा इफ़ आ जाता है। इफ़ यू हैव स्मॉल कैपिटल यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स, यू शुड, क्योंकि यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब जस्ट मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने 2 साल पहले एक 1.5 लाख का कैमरा लिया था, कौन लेता है 1.5 लाख का कैमरा, 60,000 का लेंस था, 60,000 का, 65,000 का कैमरा था, मे बी 70,000 का भी हो, सो 135-140K का पड़ा था टोटल। अब वही मैं सोचता कि भाई इसकी FD करा लेता हूँ, इसका म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, इसका मैं स्टॉक ले लेता हूँ, तो उसका क्या ही रिटर्न आ जाता, 10%, 15%, 20%, मैक्सिमम 25%। बट उस कैमरे से मैंने उसकी 10x वैल्यू निकाल चुका हूँ, मतलब जितने का ख़रीदा था उससे 10 गुना पैसे बना चुका हूँ। बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ मैंने उसको, मेरी इंट्यूशन ने कहा, व्हाई? बिकॉज़ मेरी इंट्यूशन ने कहा था कि यार दिस इज़ द थिंग दैट आई एम अट्रैक्टेड टू समहाउ, पता नहीं मुझे अंदर से वाइब आ रही है कि मुझे लेना चाहिए, ठीक है, मेरा अंदर से मन कर रहा है। सो काफ़ी लोग अपनी अंदर की बात ही नहीं सुन पाते, दे आर ऑलवेज स्केर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज स्केर्ड ऑफ द सोसाइटी आउट देयर, लेकिन योर इंट्यूशन नोज एवरीथिंग, योर इंट्यूशन नोज कि आप कहाँ जाने वाले हो। और उसमें गलतियाँ भी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन गलतियाँ इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आप गलतियाँ करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। सो दैट्स वाई अगर आप थोड़े इंटरेस्टिंग से बंदे हो ना, आपको आपको किसी चीज़ का शौक है या कुछ है, तो आपको उस एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस यही है एग्जांपल कि आप अभी आप छोटे पैसे कमा रहे हो, आप सो लेट्स सपोज आपने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये हर महीने बचाए, साल के अंत तक 60,000 रुपये हुए, फिर आपने एक म्यूचुअल फंड में लगा दिए, तो 66, तो उस पर 10% रिटर्न आया और आपको 66,000 रुपीस मिले, तो ये है आपकी करंट सैलरी पे। लेकिन इफ़ यू गिव अ शॉट टू योर कॉलिंग, इफ़ यू गिव अ शॉट टू न्यू थिंग्स इन लाइफ एंड वो शायद से चल जाए और आपकी सैलरी या अर्निंग डबल ट्रिपल हो जाए। लेट्स सपोज आप आज 2.5 लाख रुपये कमा रहे हैं और उसमें से हर महीने 40-50,000 रुपये सेव कर रहे हैं एंड साल के अंत तक आपने 5 लाख रुपये सेव कर लिए एंड उसको फिर म्यूचुअल फंड पे लगाया, तो 5 लाख का 5,50,000 रुपये मिलेगा। सो एनी डे आई वुड प्रेफर 50,000 रुपीस का गेन ओवर 6,000 रुपीस, ठीक है, फिर मज़ा आएगा। सो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स है क्या? आप दूसरों की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो ना। अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसमें आपको लगता है कि भाई अगर मैं इस आइडिया पे इन्वेस्ट करूँगा, यही पैसे जो मैंने बचाए हैं, ये ज़्यादा रिटर्न ला के देगा। सो लेट्स सपोज आपके पास 5 लाख रुपए, आप अंबानी की कंपनी में लगाने से अच्छा जो आपको 15-20% रिटर्न देगी, आप दुकान ही खोल लीजिए,
क्या पता वो 5 से 50 लाख की दुकान हो जाए, उसकी वर्थ बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है अगर आप अपने आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू कैन टेक द रिस्क, अपने आइडियाज़ पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी अर्निंग पावर बढ़ाने पे इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। दैट्स द ओनली रीज़न वाई आई डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक कंपनीज, बिकॉज माई विजन इज जस्ट टू बिग। मैं स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना चाहता हूँ और मैं कह रहा हूँ ये सब करने के लिए ना यू हैव टू बिकम मिनिमल। आपको एक बहुत ही सीधी सादगी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। फ्लैशी, ये जो इंस्टाग्राम पे लोग आजकल फ्लैशी गुची वुची टूची कर रहे हैं, ठीक है, इन सब से दूर रहना। सो आपको काफ़ी मिनिमल रहना पड़ेगा, आपको ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपको मैक्सिमम पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने हैं, राइट। आपको ये अपनी औकात से बड़ी वाली कोई चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी। यू हैव नेवर सीन मी फ्लैशिंग माई स्टफ कि भाई देखो कितने फ़ोन्स, कितना पैसा, ये वो ये। तो मोह माया से आपको दूर रहना, लोगों के इन्फ्लुएंस से दूर रहना सबसे बड़ी बात। लोग आपको आ आ के टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। सो आप जब जवान होते हो 18, 19, 20, 21, ये 20s, 22 to 25 में, लोग आपको कैसे कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया। बैक स्टोरी देखोगे तो पता चलेगा ईएमआई पे लिया या बाप के पैसे से लिया या ये सब। सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ नॉट टू गेट जेलस बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बिगर। वॉरेन बफे की गाड़ी देख लो क्या है, जकरबर्ग की गाड़ी देख लो, वॉल्वो चलाता है, पिंटो विंटो, ठीक है। सारे बड़े आदमी दे लिव वेरी सिंपली। अगर आपको भी बड़ा बनना है तो ये फ्लैशी दुनिया से दूर हटना पड़ेगा, लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद होना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है बिकॉज जब लड़कियां वड़कियां आ जाती हैं ना तो ये और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू विल बी लाइक कि वो उसके साथ ऐसा लड़का दिखता है। बिकॉज ये लड़कियाँ वड़कियाँ जब आ जाती हैं तो और मुश्किल हो जाता है ये मोह माया से दूर रहना। लेकिन यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, आपको सख्त लौंडा बनना पड़ेगा, नॉट जस्ट सख्ती दिखाने में बट फाइनेंशियली भी सख्ती दिखाने में। यू डोंट हैव टू बाय थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स, रहे हैं ज़िंदगी में या बहुत कुछ करते हैं टू इम्प्रेस अदर्स, बट वी डोंट हैव टू डू दैट। एंड जिस दिन हमने समझ लिया वो बात, हमारे काफ़ी पैसे बच जाएंगे और वो सारे पैसे हम मार्केट पे लगाएंगे, हम अपने न्यू आइडियाज़ पे लगाएंगे। और जब ये होगा ना, इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं रहेगी बिकॉज वी विल बी जॉब गिवर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स।